नवल प्रासी ने कमल केशव दास बाबा का चेला। बाबा जी अब बूढ़े हो चुके हैं और बाबा जी बहुत कम दंगल देखते हैं। बाबा जी के शिष्य हैं ये। बाबा जी ने इनको अपना मठ भी दे रखा है, जो त्रिवेणी धाम आप कभी जाओगे नहाने के लिए वहां पर बहुत लोग जाते हैं, वहीं पर इनको आश्रम दे रखा और अनाथ आश्रम भी चलता है इनका। ये पहलवान कह रहा है क्यों नकली क्यों है भाई? ये पहलवान कह रहा है जाली नोट दे दिया है हमको। देखिए पहलवान जी ये बोल रहा है इसके अंदर महात्मा गांधी नहीं है। देखिए महात्मा गांधी आपके इंडिया के जो करेंसी होती है उसमें होती है। ये नेपाली नोट है हिमाल का, नेपाल के लोग बब्बर शेर होते हैं इसीलिए नोट पे बब्बर शेर का फोटो है। ये ओरिजिनल है, रख लीजिए बॉर्डर पर बजा लीजिए। ये सोच रहा है नकली जाली नोट पकड़ा दिया, महात्मा गांधी नहीं है, लेकिन इसे नहीं पता ये शेरों का देश है। यहाँ पर फोटो में शेर होते हैं, शेर छपे होते हैं। महात्मा गांधी इंडिया में छपता है। हाथ में करम मैं कद लंबा भारी भरकम शरीर लिए हुए यही है रजत पहलवान हरियाणा, जहाँ पर कौरव और पांडव का महायुद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र, उसी का है ये पहलवान। इन्हीं के सवालों का जवाब में रंग सांवला कद छोटा बदल कटीला, ये है अनाथ आश्रम जो आप लोग कई सालों से देख रहे हैं। इसी पहलवान को बेचारा अनाथ है, अनाथ आश्रम का बच्चा है ये निर्दोष बाबा पहलवान अनाथ आश्रम। कुश्ती का समय 10 मिनट। चलिए बाबा जी अनाथ आश्रम देखिए। बाबा जी अनाथ आश्रम भी चलाते हैं त्रिवेणी धाम। चले खेल खेलो भाई, हमारे मत बोलो भाई। उपेंद्र राय भर और मनोज यादव जी यदि हमने की आवाज सुन रहा बानी तो कुश्ती दंगल प्रतियोगिता हो रहा जमा कर सम्मान करेंगे खातिर आप लोग के यहाँ बुलाट हो रहा एक बार मंच के लगे आवे के कोशिश करी प्रयास करी। हरियाणा ऊपर है अभी पहलवान गर्म हो रहा है, कुश्ती नहीं हुई पहलवान जी। कुश्ती नहीं हुई, अखाने के बाहर कुश्ती नहीं माना जाएगी, बीच में मारना पड़ेगा आपको बीच में। चाचा जी हमारे पहलवान है गिरी बाबा जी आ जाइए अखाड़े पे। अरे वाह कोई फैसला नहीं। एक तरफ हरियाणा है तो दूसरी तरफ नेपाल है। हरियाणा बहुत हावी होते हुए नेपाल की आंख में लगी मुझे छोड़ दी, थप्पड़ लग गया आंख में। प्यार से लड़ो, जो कला है वो कला दिखाओ, मारा खुशी ना करो। हाँ अगर आप हरियाणा के बाजुओं में पावर है तो पटक लो। और गोपाल थापा लोगों के बीच में घूम रहा है, गोपाल थापा का 10-20-50 से मान सम्मान करते रहे। गोपाल थापा आप लोगों के बीच में घूम रहा है, गोपाल थापा का मान सम्मान करते रहे 10-20-50 से गोपाल थापा का मान सम्मान। हाथ छोड़ दे आप लोग चुप रहिए, दो रेफरी है कोई बात नहीं, कुछ भी होगा आप लोग शांति बनाए, शांति का दान दे। हमारे यहाँ पर इंटरनेशनल रेफरी है। देखिए ये पहलवान रेफरी का भी बात नहीं मान रहा है, ये हरियाणा वाले हैं, ये मोटी बुद्धि के होते हैं। पहलवान जी अरे छुटाइए पहलवान जी। देखिए दंगल की व्यवस्था कीजिए, पब्लिक अखाड़े पर आ जाएगी, ईमानदारी से कुश्ती लड़िए जो आपके गुरुओं ने सिखाया। क्यों भाई जनता वालों बात सही है ना, ईमानदारी से चित कर लो पापा को हम हारा घोषित कर देंगे, लेकिन बेईमानी से अगर चित करोगे तो हारा घोषित नहीं दिया जाएगा। क्यों गुरु जी सही बात है ना, क्यों जनता वालों सही बात है ना, ईमानदारी से चित करो बेईमानी से नहीं।
मिट्टी डालना था रुक जाओ रुक जाओ, आप लोग रुक जाओ, आप लोग रुक जाइए, आप लोग रुक जाइए, छोड़ दे छोड़ो। रुक जाओ, चुटवा रहे दो दो रेफरी छोड़ के पहलवान जी देखिए बात को मानिए, पहलवान जी भाई नहीं लगा भाई सारा बुढ़ा भाई नहीं लगा हेलो शांति पूर्वक पहले कहल बाखाना लिखे चल भगवान जी लड़ाई करनी है कि नहीं करना बोलो लड़ाई करनी है कि नहीं करना ईमानदारी पूर्वक लो तुम्हारे जेब में दर्द है तो पकड़ के दिखाओ एक गाने बजा दीजिए इस्लाम अखलेकर साहब एक म्यूजिक बजा दीजिए देखिए बाबा जी अगर वो आपसे कोई मानी का नहीं 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 कुश्ती नहीं हुई कुश्ती नहीं नहीं कुश्ती नहीं धोखा है धोखा हमारा नेपाल भले ही गरीब है भले छोटा देश है लेकिन इतिहास के पन्ने में हमारा नेपाल आज तक कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ। गाना लगा दो पांडे जी का बेटा हूँ चपक कर लेता हूँ वो गाना लगाओ बाबा जी का कहना वही गाना चला दीजिए नहीं कोई फैसला नहीं यही असली कांटे की कुश्ती बारे में पत्थर मत मारना भाई ये काम नहीं कांटे की तरह लड़ो वारे वहां गया कुश्ती में कोई फैसला नहीं तो भी ढाक मुल्तानी बैठ जाइए व्यवस्था बनाइए देखिए शानदार